चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। कुछ दिन पहले, तकरीबन 3 दिन पहले हमने सर्वे किया था शायद भाई का, एडवोकेट हैं पिंडी बार से। इन्होंने पहले 2-3 पॉइंट चेक करवाए थे, उन्होंने बोर भी करवाया था, लेकिन वो पानी एक तो साल्टी था इनका और दूसरा ये है कि वो चलता कुछ देर था। फिर तकरीबन 4-5 दिन पहले इन्होंने हमें बुलवाया, हमारी पिछली वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, अभी ये दूसरी वीडियो है हमारी। कल इनका बोर मुकम्मल हुआ, उसके बाद आज इन्होंने हमें बुलवाया कि आप आएँ और आके अपने वीडियो के चैनल को प्रमोट करने के लिए आप वीडियो भी बनाएं और आके हमारा ऑपरेशन भी देख लें। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये पानी चल रहा है, तकरीबन पिछले 5-6 घंटे हो गए इसी तरह इसी प्रेशर से चल रहा है। तो हमने इनको गहराई बताई थी कि आपका जो पहला पानी स्टोन का आएगा वो तकरीबन 125-200 के लगभग आएगा। तो इनका जो पहला पानी आया है वो 192 फिट पर इनका पहला पानी आया है। तो उसके फिर चलता गया स्टोन, चलता गया, बीच में कुछ 30-40 फीट इनकी मट्टी आई। उसके बाद फिर जो दूसरा इनका अच्छा पानी आया जिस प्रेशर वाला पानी, वो तकरीबन 335-340 के लगभग। तो इन्होंने 450 तकरीबन 375 फिट बोर करवाया गहरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पानी इन्हें चाहिए था अल्लाह ताला ने इनको अता किया। मैं सब दोस्तों से हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ या जहाँ पर भी मैं जाता हूँ सर्वे के लिए, मैं हर बंदे से यही बात करता हूँ कि मैं पानी नहीं दे सकता, मैं तो एक कतरा भी किसी को नहीं दे सकता, देने वाली रब की ज़ात है, मैं पानी नहीं दे सकता। हम सिर्फ सर्वे करते हैं, हीला हम करते हैं, वसीला उसकी ज़ात करती है, अता भी वही करती है, जजा भी वही करती है। तो ये इनके अच्छे नसीब थे शाहिद साहब के, शाहिद साहब के हमारे साथ खड़े हैं। अजी बड़ा अल्लाह पाक ने हम पे करम किया है कि हमारा पानी आ गया। वैसे हमारे 2 पॉइंट पहले भी लगे हुए हैं, एक सामने और एक साइड पर बोर हुए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन ये इब्रार भाई ने निशान हमें लगा के दिया था बिल्कुल अपोजिट साइड पे, अगर आप देखें तो वो हमारा सामने बोर है। आए दिखाते हैं, बल्कि शायद साहब भी पूछते हैं कि शायद भाई को कोई मेहनत ही नहीं की थी, सारी रात मशीनें चलती रही ड्रिलिंग वाली। जी जी, तो ये हमारा जो है ना वो पानी, सही पानी जो है वो 330 फुट के बाद हमारा पानी आया। और ये देख रहे हैं दीवार हमारी सारी गंदी हो गई है कि जब पानी आया तो फिर उसका प्रेशर जो था वो बहुत ही तेज़ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारी मोटर जो है वो 3-4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून के साथ एक टाइम में चल रही है। और ये भी बड़ा बेनिफिट है हमें कि जब हम इसको घंटा या 2 घंटे छोड़ते हैं तो फिर ये उसी तरह पानी को रिफिल कर देती है। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ है भाई। 4 घंटे अगर आप मोटर चलाते हैं तो 4 घंटे आपका पानी कंटिन्यू रहता है। जी कंटिन्यू रहता है, वो ये कम या ख़त्म नहीं होता। नहीं ख़त्म नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मामूली से कम हो जाता है। कम जरूर हो जाता है, 4 घंटे। हाँ 4 घंटे में कम हो जाता है, लेकिन ये कि अगर हम उसको 2 घंटे छोड़ दें, सिर्फ 2 घंटे का गैप, हाँ तो वो उतना ही हो जाता है उसी पोजिशन पर, फिर 4 घंटे 5 घंटे में वापस आ जाती है। बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने करम फरमाया। व्यूवर्स, बस आप दोस्तों की दुआएं चाहिए, लाइक चाहिए, आप अपने कमेंट्स करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को प्रमोट करेंगे आप सबकी दुआएं, आप सबका दोस्तों का जो कमेंट्स है वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं आप अप्रिशिएट करते हैं। और मज़ीद मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए इस फील्ड में, दिन ब दिन हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ ना कुछ नया आता है, जिसके घर भी जाते हैं अपने काम को अपना ईमान समझ के करते हैं, ताकि वो हमारे लिए और जिसके लिए जा रहे हैं, जो बंदा खर्चा कर रहा है, इतना पैसा लगा रहा है 3-4 लाख रुपये, अल्लाह ताला उस पर भी करम करे और हमारे ऊपर भी करम करे। शाह साहब ने आज स्पेशल दावत की थी चाय पे, और इन्होंने कहा जी कि आप दोबारा आएँ, आके अपनी वीडियो बनाएं और आएँ मिठाई के लिए। आप आज भी हम आए हैं और इंशाल्लाह इससे हट के भी इनके साथ रब्ता रहेगा हमारा, क्योंकि इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, आगे भी इन्होंने काफ़ी सारी जगह ली हुई है, उसके लिए भी सर्वे करवाएँगे इंशाल्लाह, हम दोबारा फिर जाएँगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपने अपनी दुआओं में हमारी वीडियो में हमें याद रखा। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।